अपना काम बनता हो भाड़ में जाए जनता हो, अपना काम बनता हो भाड़ में जाए जनता। गूंगे बैरों की नगरी कौन किसी की सुनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये देश था वीर जवानों का अब रह गया। अबे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल कर रहे हो? सामने ऑडियंस बैठी है और तुम रिहर्सल कर रहे हो? अरे बाप रे, हमने तो मेकअप ही नहीं किया। अरे जाके तंतुरा को बुला। तंतुरा तंतुरा आ गई। अरे गुरुजी आ गया, आ गया, आ गया। अरे बॉडी लेके कहाँ आ रहे हो? अरे बाप रे, पकड़ जल्दी आओ। गुरुजी आ गए, तंतुरा भी आ गई। अरे सूत्रधार कहाँ पर है? अरे ये काम मर गया ये सूत्र। अरे धार जल्दी आ। अरे बस ये नड़ा बांध के आ रहा हूँ। ये टॉयलेट में क्यों बैठा रहता हर वक्त? अरे नर्वसनेस की वजह से पोटी आ जाती है यार। अरे यार ऑडियंस के सामने कैसी बातें कर रहे हो? अरे खुद सही बैठो। नमस्कार 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 नमस्कार। आज मैं आप सभी दर्शक देवताओं को उसी प्रकार नमस्कार करता हूँ जैसे चतुर व्यापारी ग्राहक को देखकर सब झुक जाता है, जैसे राजा के चाटुकार उन्हें देखते ही झुक झुक कर और झुको, झुक झुक कर और झुको, झुक झुक कर। झुक झुक कर नमस्कार करता हूँ। कमर में दर्द कुछ अधिक ही झुका दिया। अब सहानुभूति मत बटोरो, अपना कार्य करो कार्य। चुप। हाँ तो दर्शक देवताओं, आज का एक नाटक है जिसको मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सुनाना नहीं है, करके दिखाना है। करके दिखाना है? हाँ, हाँ तो करके दिखाएंगे। हाँ तो दर्शक देवताओं, इस नाटक का नाम है हास्य रसायन। ये वाला नहीं, बदल दिया था। बदल दिया था? हाँ। हाँ हाँ तो दर्शक देवताओं, हमारे नाटक का नाम है उल्टा पुल्टा। ये भी नहीं, चेंज कर दिया था। तो कौन सा है? अरे इधर। अरे नाटक का नाम है चम्मच चलो। चम्मच चलो। वो क्या करें, जब डायरेक्टर साहब एक ही नाटक के तीन चार नाम रख लेते हैं तो सब मिश्रित हो जाता है। हाँ तो हमारे नाटक का नाम है एकला चलो। चम्मच चलो। चम्मच चलो। हाँ भाई चम्मच चलो, हमारे नाटक का नाम है चम्मच चलो। तो इसकी कहानी कुछ यूं है, इसमें एक राजा होता है जिसकी एक रानी होती है। सुना नहीं रही है, करके दिखानी है। करके दिखानी है? हाँ। हम लोग आप लोगों को नाटक करके दिखाएंगे। नाटक करके दिखाएंगे। क्या हुआ? दर्शक देता हूँ, मैं आया। अरे क्या हुआ? अरे आया। अरे हुआ? अरे आया। अब ये दो पहर पश्चात आएंगे। अरे नांदी तो सुना दीजिए। अरे आप लोग ही नांदी सुना दीजिए और आप लोग इनसे नांदी सुन लीजिए। अरे पर अरे नांदी किसको आती है यार? मुझे नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। किसी को नहीं आती? नहीं नहीं। तो नाटक शुरू करो। हाँ चलो। हमेशा हमेशा सदा मत
आक्रमण होने वाला है कहीं न कहीं से। इससे पहले कि आक्रमण हो तुम स्वयं आक्रमण कर दो। उधर यही रक्षा का सही तरीका है। जैसे प्रति पल मंत्री पहरे पर खड़े हो फिर भी कोई सुरक्षा कवच भेद देता है, प्रियजन बिछड़ जाते हैं। पहली रानी बिछड़ जाती है, दूसरी रानी बिछड़ जाती है और तीसरी रानी असंभव असंभव, परंतु रानी खो जाती है। ये कैसे संभव हुआ? अजीब और शान शहंशाह, अजीब और शान शहंशाह, फरमाना हमेशा हमेशा सलामत रहे। तेरा हो क्या बयां, तू शाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान, तू जाने हिंदुस्तान। मरहबा ओ मरहबा। अच्छा तेरा राज चला, जैसे कि हम ढूंढ के आ रहे हैं, विचार हमने तुरंत खो दिया। अरे तो अब क्या करें? लो भाई, जो हथियार वाले ना गैर कानूनी रूप से हथियार भेज रहे, इन पर ना डंडे से ब्राज करते, संभवत इनका अंतनाथ सिंह हमारे विचार मती तो नहीं लौटाएंगे। अरे तो करो श्री गणेश, करो। हम व्यापारी है। अच्छा व्यापारी, तो व्यापार करो ना। अरे ना, अरे तुम व्यापारियों के इसके अलावा क्या है? पहले तुम लोग ये तो बताओ कि तुम लोग ढूंढ क्या रहे हो? क्यों बताएं तुमको? ये सर्वथा गोपनीय है।
सच्चा गोरख धंधा है, क्या डोड़ रहे हो? कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ताकते आकाश को, कभी चीरते हो पातालों को, कभी खोदते हो पर्वतों को, तो कभी खोजते हो शब्दों को, तो कभी खुद ही भूले तो सवाल को। अति गोपनीय, अभी तक तो हमें भी नहीं मालूम कि हम क्या ढूंढ रहे थे। तर तर ढूंढते, आजा आजा आजा। ताली को ही देख ले, सदा खाने पीने के पीछे मगन।
इस सारे झंझट में हम अपना कार्य तो भूल ही गए। चल इस नगरी का भ्रमण करके देखे कि यहाँ सुधा तृप्ति के लिए कुछ मिल सकता है क्या। अरे गुरुजी, यहाँ सुधा तृप्ति के लिए कौन आया है? मैं तो कई दिनों से इंतजार में था कि कब इस नगरी में पहुंचू। क्यों रे, ऐसी क्या विशेषता इस नगरी में? अरे गुरुदेव, जब से तीसरे विश्व में बाजार की खोज शुरू हुई है ना, तब से इस नगरी की बात ही निराली है। कहीं तो किसी साप्ताहिक प्रतियोगिता की चर्चा तो नहीं कर रहा है? क्या बात है गुरुदेव, मांग गए आपको। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, तब से दुनिया की संपूर्ण अप्सराएं इसी नगरी में आबसी है। अरे वो तो अर्थशास्त्र का चमत्कार है। तू तो इस नगरी की विशेषता बता। गुरुदेव, यहाँ की एक सुंदरी है चमक झल्लो, पूरी नगरी में उसकी सुंदरता की चर्चा है। दरअसल जब मैं आपके साथ तिहाड़ में साधना में तलीन था ना, तो वहाँ के लोगों ने मुझे सुंदरता के बारे में बताया था, तब से मैं इस नगरी में आने को लाला ही था। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अभी मैं कहूँ के तू किसी दूसरी नगरी में क्यों नहीं जाना चाहता था है? पर अभी तो बहुत भूख लगी है रे। चल किसी के यहाँ खाना मांगे। भिक्षा देही, भिक्षा देही, भिक्षा देही, भिक्षा देवी, हम साधुओं को भिक्षा दो, भगवान आपका समस्त मनोरथ पूर्ण करेगा। अरे अरे, अच्छे तरह से लग रहे हो तुम दोनों, ऐसे भिक्षा मांगते हुए लाज नहीं आ रही? पापी, पेट का सवाल है देवी। पापी, पेट का सवाल है तो कुछ काम वाम करो, मेहनत मजदूरी करो, ऐसे भिक्षा मांगने से क्या होगा? कोई काम नहीं देता देवी। कोई काम नहीं देता तो मैं तुम्हें काम देती। इधर आ, इधर आ। हां वो देख, सामने वाली दिख रही आंगन में? नहीं। इधर देख, हां ये झाड़ू, जा पूरे आंगन की सफाई कर दे। तुम वहां वो जो पीछे घोड़े बनते दिखे, हां दिखे ना, उनकी मालिश कर दो। तुम दोनों के लिए वही उचित रहेगा। सुनो। क्या है? सुनो, आज तो शनि मंगल पर सवार है, तो हमारे गुरुदेव आज किसी भी प्राणी को स्पर्श नहीं करते देवी। और आज तो अमावस की चौदस है, अगर आज ये किसी के आंगन को पोछा लगाएगा तो स्वामी को ही पोछा लग जाएगा। अरे अगर ऐसा है ना तो आज मंगलवार है, और मंगलवार के दिन मैं भी कोई दान पुण्य नहीं करती। क्या पता तुम्हारे भाग्य के मैं उसका जान मेरे भाग्य में छा गया तो। आजा से सुबह ना काम के हो ना काज के, दुश्मन अनाज के। अबे ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। गुरुदेव ये तो करंट मारती है। अरे बेटा चल कहीं और मांगे। भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। अरे कुछ नहीं होगा, जा भाई साहब। भाई साहब, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो हम जैसे कौड़ियों का पैर साधुओं को भिक्षा देगा? हाँ क्यों नहीं, वो देखो सामने कहो। ऊंची ऊंची है जिसकी अटारी, जाओगे उसके पास लुटोगे निराश। जितनी ऊंची मंजिल इनकी उतना छोटा दिल है इनका। अरे हमारा काम तो रोज ऐसा सही पड़ता है। तुम तो इनका नाम बताओ। नाम बड़े लाल आत्मा, छोटे लाल उर्फ यू एस ए
यूएसए यूएसए सुबह सुबह लिया नाम सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो काम नहीं मिलेगा। ये तो कंजूस का सरताज है। तो मिलना इनसे यार। सुन, लगता है ये लोग सेठ बड़े लाल का गुणगान कर रहे हैं। और ये भवन भी उसी का मालूम होता है। हाँ गुरुदेव, जिसकी इतनी प्रशंसा हो चुकी है, जिसका इतना महिमा गान हो चुका है, जिसका नाम बड़े लाल हो उर्फ यूएसए, वही भवन का स्वामी हो सकता है। अरे तो चिंता मत कर, ऐसे लोगों से तन ऐंठने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तू देख, इस सेठ से इसका धन नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी चला ढोल क्या नहीं। क्या कहा? गुरु के चट्टानी नहीं। हाँ तो तनिक बजाओ अपना डोलवा। ये ना गुरु, लो आ गए आ गए, वो के गुरु आ गए। ला भाई मुंह निकालो, कान निकालो, आग निकालो, नाक निकालो, भूत बता दे, भविष्य बता दे, आदमी की आंख बता दे, औरत को आदमी बना दे। हमारी प्रशंसा कर रही हो? नहीं। अरे करो करो करो, हम तो है ही प्रशंसनीय। क्यों? क्योंकि हम नहीं होते तो तुम नहीं होते, और तुम नहीं होते तो हम नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि तुम हमारे ही तो हथियारों से पल रहे हो। अच्छा गुरुदेव, तो अब देखना मेरा चमत्कार। बच्चा, ये छींक तो सिर्फ उन लोगों के लिए शकुन की है जिनका नाम शुरू होता है ब या भय से। से तो मेरा भी नाम शुरू होता है। हमें इसका भली भांति ज्ञान है बच्चा पड़ेलाल। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? सामुद्रिक शास्त्र। हम मुखमंडल को देखकर वो भविष्य वर्तमान बता देते हैं। फिर तो धन्य हमारा, मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, वरना यहाँ तो धूल लंपट लुच्छे ही सन्यासी और साधुओं के भेष में विचरण करते रहते हैं। पड़ेलाल जी, आपको कैसे पता? जय महाकाल। सत्य वचन, सत्य वचन, पूरी पृथ्वी ऐसे ढोंगियों से ऐसे ढोंगियों से भरी पड़ी है। केवल एकमात्र हमारे पूजनीय गुरु जी है जो सत्य की राह पर चल रहे हैं। इन्होंने विशाल का यह बना जिन आश्रम से पूरे 2735 दिन गौर तप किया, उसके बाद तिहाड़ में पूरे 203 दिन तप किया है। ये तिहाड़ क्या हिमालय से भी ऊंचा है? हाँ हाँ, बहुत ऊंचा है। सारे ऊंचे ऊंचे लोग वहीं जाके तप करते हैं। बहुत ऊंचा है, चले लीजिए। और वहीं की सिद्धि से हमें ये गुमंत्र यंत्र नामक दूर संचार यंत्र प्राप्त हुआ है। फिर तो आपके गुरु जी बहुत ही ऊंची चीज होंगे। क्या आपके गुरु जी से मिल लूं? यदि हर कोई पंक्ति तोड़ उनसे मिल लेगा हमारा क्या होगा बड़े लाल जी। हेलो मूर्ख, हाँ ज्यादा देर मत लगा, मेरी बीमारी आने दे। क्या वॉशिंगटन से बोल रहा है? क्या आप विमान भेजे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत भेजिए, रशिया भेजिए। रशिया? हाँ रशिया, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद। बड़े लाल जी,
अब तो आपको उनके दर्शन शुल्क हुई गया होगा ना। कितना दर्शन शुल्क है आपके गुरु जी का? मात्र $1,000। बड़े लाल जी आप बेहोश क्यों हो रहे हैं? आप तो हमारे परिचित हैं, मैं आपके लिए अनुज्ञा कर लूंगा। बेटा ठीक है, पिता आपके गुरु जी से मिल सकते हैं। गुरु जी साक्षात आपके सामने खड़े हैं। गुरु जी चमत्कार हो जाए। गुरु जी मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। इसकी दुर्गंध बता रही है, ये विष्णु का अत्यंत क्रूर आदमी है। गुरु जी आप तो सचमुच से है, अब आप ही बताइए, जिसने जीवन का महत्व नहीं जाना उसका जीवन भी क्या जीवन है? मुझे तो इसके यहाँ से और भी गंद आ रही है, इसके घर में से। क्या घर, क्या है मेरे घर में? मुद्राएं लगेगी। मुद्राएं लगेगी कैसे बच्चा? खिलौना नहीं है ये। गुरु जी आप ये सब छोड़िए और मेरा भविष्य बता दीजिए ना। मुझे इसके यहाँ से गंद आ रही है कि इसके घर में इसकी एक पत्नी और दो पुत्र क्रीड़ाने लगे हैं। और मुझे इसके यहाँ से और भी गंद आ रही है, पर ये तो किसी पराए नारी की है। गुरुजी अगर आप एक शब्द और भी बोले तो मेरा घर और जीवन दोनों नष्ट हो जाएगा। आप एक काम करिए, मेरा भविष्य बता दीजिए। भविष्य? हाँ। उड़ाएंगे सारे बाल तेरे, टकलू तो हो जाएगा। वाह वाह, मेरे दिल का पैसा बच जाएगा। रुक जाएंगे पांव तेरे, चल नहीं तू पाएगा। वाह वाह धन्य हो महाराज, मेरे जूते का पैसा बच जाएगा। बस अब आखिरी बात बता दू, अब और अधिक में तू जी पाएगा। कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद मेरा पैसा तो सुरक्षित रह जाएगा ना। बच्चा तुम्हारा नाम बड़े लाल बिल्कुल ठीक है, और लव मेरा दर्शन शुल्क दे दो। दर्शन शुल्क दिया? $1,000। हाँ दिया। लाओ मेरे डॉलर। कैसे डॉलर? आपने अपनी बातें सुनाकर हमको प्रसन्न कर दिया, हमने अपनी बातें सुनाकर आप दोनों को प्रसन्न कर दिया, तो हो गया ना हिसाब बराबर। अच्छा बच्चू, और वो दूसरी वाली प्रिया? अरे उसके बारे में तो हम ही आपको बता देते हैं, इस गली की अगली वाली गली में रहती है वो। वैसे गुरुजी आपकी ना जोड़ी जम जाएगी उससे। बड़े लाल जी नाम तो बता दीजिए। कहीने नाम तो उसका है परसतिया, लेकिन मैं प्यार से बुलाता हूँ कुरमतिया। इस गली की अगली वाली गली में तीसरा घर है उसका, जाके मिल लीजिए। मैं तो चलता हूँ अपनी छंझन छंझन चम्मक छल्लो के पास। चम्मच छल्लो? अरे गुरुदेव यही तो इसका नाम है, चम्मच छल्लो। तू इधर चल ले, मैं चल ले। चम्मच छल्लो, हाय मेरी प्यारी चम्मच छल्लो, आ रहे हम साथ में तोहफा ला रहे हैं हम। चम्मच छल्लो आजकल
समय बड़ा विकट है। सुना है तूने, हमारी रानी खो गई। अरे बाप रे! जब रानी खो सकती है तो तेरी क्या विसात। चल। हाय दया, रानी खो गई। मौसी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। चल। हाय हाय दंतुरे, कहां जल्दी इतनी दोपहरिया में? मंदिर। क्यों, अपने पापों की क्षमा मांगने? नहीं, तुम्हारे पापों की। तुम तो ठहरे कंजूस, तुम्हें तो भगवान से क्षमा मांगने में भी कंजूसी सूझेगी। अब तुम तो मांग ही रही हो, तो हमको क्या आवश्यकता? अरे ये सुंदर कन्या कौन है, जरा देखो तो। हाय हाय, ये तो चम्मक चलो है। आ चम्मक चलो। क्यों, कुर्बुतिया से दिल भर गया? अरे तंतुरे, कहाँ उसका नाम ले लिया, कहाँ वो न कहाँ ये। उसका खर्चा तो उठा न सका, इसका क्या उठाएगा। एक बार तू कह के तो देख, बस एक बार इसके दर्शन करवा दे। ये कुर्बुतिया ना है, ये तो मेरी चम्मक चल्लो, इंद्रलोक की अप्सरा है ये। इसके दर्शन के लिए कुबेर का खजाना भी कम पड़े है। वो तो मैं हूँ कि इतने में काम चला लूंगी। अब तो रे, इसके ना 5 मुद्राएं दूंगा, वो ले लो। 5 में तो मैं इसके नख के भी दर्शन करने ना दूं। 10 ले लो। अरे चमक चलो के दर्शन करना चाह रहा है, ये गाजर मूली खरीद रहा है। वो तो मैं हूँ, किस काम चला लूं। दंतुरे, अब अपना सारा धन इसे दे दूं तो निर्धन हो जाऊंगा। लेकिन ये चम्मक चलो, अगर चम्मक चलो मुझ पर प्रसन्न हो गई तो चम्मक चलो का सारा धन मेरा होगा। और ये दंतुरे भी कितने दिन जीवित रहेगी, यही सही है। हाँ दंतुरे, हम तैयार है, बस कुछ समय चाहिए। लेकिन लेकिन एक बार इसके दर्शन तो करवा दो। आज नहीं, आज अमावस है, आज तो तू इसके नख के ही दर्शन कर ले। हाय हाय हाय, जब इसके पांव इतने सुंदर है तो ये तो कितनी सुंदर होगी। अरे दंतुरे, कहाँ ले चली? ये सत्ता का कष्ट भी कितना बड़ा कष्ट होता है, प्रातः काल से ही पंक्तियां लगनी शुरू हो जाती। जी महाराज। अरे इसका कार्य करा दो, उसका कार्य करा दो, ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो। दूसरों के कार्य कराने में मेरे स्वयं के कार्य तो रह जाते हैं। ऊपर से भारी दबाव, आखिर एक आदमी की कितनी सहन शक्ति होती है। पर मुझे तो परंपरा का निर्वाह जो करना है, इस राज्य की सुरक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए मैं सदैव राजा बना रहूंगा, रहना ही पड़ेगा भाई। जी महाराज। पर हमारे राज्य की आंतरिक सुरक्षा इतनी लचक, पर ये दोहरी में हमारे प्राणों से प्रिय महारानी को कोई चुरा कर ले गया। अरे मुरत, मुझसे पूछ के ले जाता, मैं मना थोड़ी करता। अब तेरी तू खुद भुगतना। और हमारे राज्य की आंतरिक सुरक्षा इतनी लचक, जितनी हमने समझी थी उससे कहीं अधिक, यह संपूर्ण रूप से असंभव है। सचमुच? ये कैसे संभव है? असंभव है ये। जिस रण निवास इतनी कड़ी सुरक्षा कि पंछी भी पर ना मार सके उस महल में से। हाँ महाराज, उसी रनिवास से। ठीक हमारे नाक के नीचे से। हाँ महाराज, ठीक
आपकी नाक के नीचे से। क्या व्यवस्था है? महाराज सब कुछ है, शीतल पेय है और गर्माई है और हमें खामोश। अभी हम हमारे निवास की चर्चा कर रहे हैं। सत्य वचन महाराज, हम इससे सहमत हैं। तो बताओ किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? विषय था रणनिवास। हाँ, विषय था रणनिवास। रणनिवास की इतनी कड़ी सुरक्षा के मध्य हमारे प्राणों से प्रिय महारानी को कोई चुरा कर ले गया। कब महाराज? मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। महाराज गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कोई धड़ तो उसे उन्हें कोई चुरा कर ले गए। तो ऐसा करो जी, उस धूर्त को तुरंत पकड़ के लाओ। जी महाराज। महाराज धूर्त को लाए? हाँ हाँ, क्यों? और महारानी जी का तनिक कुछ दिन आराम से रहने दो हमें। और महाराज आपकी जान चली? और हाँ, तो ऐसा करो जी, उन दोनों को जबरदस्ती पकड़ कर लाओ। हाँ। और सुनो ये बात सर्वथा गोपनीय रखना। जाओ अब, लेकिन परंतु किंतु को अपना समय व्यर्थ न करो। हाँ। तुरंत काम में जुट जाओ। हाँ। महाराज कौन सी वाले रानी को ये? अरे ये तो हमें भी ज्ञात नहीं। हाँ। ऐसा करो पहली वाली को पकड़ो। हाँ। अरे दूसरी वाली को पकड़ो। हाँ। आगे वाली को पकड़ो। अरे छोड़ दो पीछे वाली को। अरे रुको रुको रुको, भविष्य में होने वाली को पकड़ लो। अरे रुको रे, वो भी नहीं मिले। हाँ। जनता में से उठा लो, अच्छी सुंदर से उठाना। आज अपना समय व्यर्थ ना करो, तुरंत गाड़ी में जुड़ जाओ। सर्वदा गोपनीय है। अब तो उचित है ढूंढो। महाराज तनिक इधर हो जाइए। नहीं महाराज इधर, इधर नहीं महाराज इधर, इधर। अरे महाराज मेरा तक करवट तुम्हें गए इधर है कि आप थोड़ा उधर हो जाइए। हट रे महाराज। जाओ ढूंढो। तो आपको ज्ञात है कि स्थिति कितनी गंभीर है? अति गंभीर है महाराज। हमारी सुरक्षा का प्रकरण महाराज। हमारे रणनिवास की इतनी कड़ी सुरक्षा के मध्य हमारे प्राणों से प्रिय महारानी को कोई चुरा कर ले गया, वो भी भरी दोपहर ही में। और आप लोग देखते रहे, हमें ये भी ज्ञात हुआ कि वो चीख रही थी उन्हें चुराया जा रहा है। और आप लोग क्या, आप लोगों के कान पर भैंस तक नहीं रहेंगे? नहीं महाराज, मैंने उन लोगों से पूछा था। क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा चोरी। अब आप ही सोचिए कि झूठ सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि उन पर भरोसे ही नहीं हुआ। होना ही नहीं चाहिए वरना हमारी आस्था जल जाएगी। महाराज महाराज मुझे लगा रानी जी रोज की भांति रुदन कर रही है। सब और यही हो रहा है, इसीलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तब आप कहाँ थे महाराज? अरे हाँ हाँ महाराज, आप कहाँ थे? तब मैं एक अधिक गंभीर विषय पर चिंतन करने व्यस्त था। महाराज उस दिन नवनियुक्त दास जी के चरणों में आरती लगाने व्यस्त थे।
कहीं इसी कारण महारानी जी चली तो नहीं गई महाराज? अरे चल हट, ऐसा होता तो मैं कभी से चली जाती। महाराज वो गंभीर प्रकरण क्या है आपने स्पष्ट नहीं किया। अरे इतना मैं समझते नहीं हूँ। अरे भरी दोपहरी में रानी को कुछ चुरा कर ले गया, कितनी लज्जा की बात है, हमारी रसम धिक्कार है। अरे इतनी कड़ी धूप में रानी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जाओ पकड़ कर लेगा दोनों को। ये उचित है, ये उचित है। अगर वो संध्या को ले जाता तो बात ही कुछ और थी, लेकिन ये सब आप लोगों की लापरवाही के कारण हुआ। बताइए बताइए अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा महाराज। लेकिन क्या? महाराज मैं बताता हूँ, देखिए कोमोजो उत्सव आने वाला है और आप बिना रानी के कैसे बैठेंगे, तो किसी न किसी को रानी का स्थाई रूप दे दीजिए। उत्तम अभी उत्तम, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए महाराज। सभा समाप्त। क्या सभा समाप्त? महाराज अभी हमने बैठक फोन तो किया ही नहीं। तो सभा कैसे समाप्त? देखिए आप अपना काम कीजिए, हम हमारी महिला मंडल के साथ जरूरी काम बातचीत करते हैं। महाराज महाराज भोजन पत्र पढ़ना होगा। तालाब का गए कितने आसमान, नदिया भी हमको बाए तो काए बन बदान। अरे सुनिए भाई साहब, अभी आप लोग कुछ खाने पीने की बात कर रहे थे, अभी आपने किसी चम्मच छल्लो को तो नहीं खा लिया है ना भाई साहब? जी उसका मकान तो छोड़ दिया है ना। अबे हट। गुरुजी बड़े विचित्र प्राणी है, बिना उत्तर दिए चले गए। अरे इसमें विचित्र की क्या बात है, बहुत बड़े लोग हैं, तुझ जैसे छोटे आदमी की बात का उत्तर देंगे क्या? उत्तर तो उन्होंने आपकी बात का भी नहीं दिया। दे दिया था, जैसे ही मैंने कहा चम्मच छल्लो, उनमें से कुछ की सांसें ऊपर की ऊपर और कुछ की नीचे ही अटक गई रे। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब साफ है कि अभी भी वो रूप सुंदरी अपने कारे कजरारे नैनों से तीर मार चला रही है। गुरु हम कहाँ थे रे? यहाँ बैठ के भीख मांग रहे थे। सही कह रहा है रे तू, बहुत भूख लगी है और अभी वो लोग भी तो यही कह रहे थे। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे उस दिन डांट पड़वाई। आकाश यंत्र से बात करने वाले महात्मा बहुत 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 ऊंचे लोग ये हमें बता देंगे कि हम क्या ढूंढे और वो कहां। अरे ये तो हमारे गुरुदेव का बायात का खेल है, बायात का। बायात का ही खेल है पर बायां हाथ दुख रहा है, कुछ दिनों से काम ही नहीं कर रहा। दुख रहा है तो क्या देख रहा है, दवा कर रहे क्या? तो गुरु जी आप यही विश्राम करें, मैं आता हूँ मेरी चम्मच छल्लो से मिलके। अरे कहाँ जा रहे हो? चम्मच छल्लो से मिलने पागले। हम भी चलते हैं रानी को छोड़कर चम्मच छल्लो को पकड़ने। अब ये सब लोग तो चले गए चम्मच छल्लो को ढूंढने, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो चलूँ अपने चम्मच छल्लो के पास। अरे चमकी जो भी चाहो खरीद लो, यहाँ सब कुछ मिलता है।
रिक्शा बिकते, नफरत बिकती, ओ बिकता इंसान। रिश्ते बिकते, नाते बिकते, दिन हो या धनवान। ये चाहो तो ये लो, वो चाहो तो वो लो, यहाँ सब कुछ बिकता है। आसे हो या शाद राज, सब कुछ बिकता है। ममता ले लो ममता, ममता ले लो ममता, ममता ले लो ममता। लो सुनो इनकी, कह दिया झट से सब कुछ बिकता है। अरे मन को मार कर करना पड़ता है सब। वो पुच्छू गली थी कितना गंदा, पर उसे भी वही आदर देना पड़ता है। मुंह छिपा कर आते हैं बड़े बड़े दानी धर्मी, पर हमसे कहते हैं सब कुछ बिकता है। अरे बिके हुए तो तुम लोग हो। पूछो पूछो अपने मन से, कब कहां किसने किसके लिए क्या क्या किया हो, पर कहेंगे हमें। अरे यहां तो वो लोग भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। अब देखिए ये कमांडर उस तीरथ को जाते समय इस तीरथ पर रखे, ये मयूर पंखी, दूसरे भूल गए ये ग्रन, ये रत्न पेटी। अब क्या क्या गिनाऊं, उस पंडित के चेहरे को ही देख लो, प्रवचन सुनने क्या गई, छलों के पीछे ही लगे। अरे तुम ज्ञानी धर्मात्मा सन्यासी ठहरे, तुम्हें काम और मोह से क्या मतलब। सच बताऊं मुझे तो चमक छलों की चिंता भी होने लगी है। इसकी जवानी के कारण इस घर में कुछ अधिक ही आवाजाही होने लगी है। जब देखो सिपाही आ रहे हैं रानी को ढूंढने, और वो दुष्ट यम प्रिय आ रहे हैं उसका हालचाल पूछने, और वो पाखंडी और उसका चेला भिक्षांदेही भिक्षा मांगने मुंह को पूरे नगर में एकमात्र यही द्वार दिखता है। हाँ आए नहीं तो केवल महाराज, क्या पता वो भी आ जाए रानी को ढूंढने। लो तुम्हारे द्वार आ गए हैं। सब रहा नहीं जा रहा। आपकी घरवाली को तो पता ही होगा ना कि आप यहाँ आए हैं। उसका नाम लेके मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। तो ठीक है महोदय, आप यही विराजिए, मैं तो चला चमक चंदन से मिलने। वारे मेरे टुकड़ों पे पलने वाला आज मुझसे कह रहा है। अब हमारे यहाँ मालिक और नौकर में भेद नहीं है। कैसे नहीं, पैसे मैं देता हूँ यार, ये पाएगा ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा जी, है नहीं चलेगा। नहीं झगड़ो, झगड़ना है तो पार्लियामेंट में जाके झगड़ो। वहाँ वहाँ क्यों, वो जगह हमने विशेष तौर पे बनवाई है, सारे जहाँ से चुने हुए लोग वही झगड़ते हैं। आ चल वहाँ जाके तेरी मरम्मत करूँ। चलो देखते हैं किस पे कितनी ताकत है। पता नहीं लोगों को झगड़ने में क्या मजा आता है, ये उसकी टांग खींचता है वो उसकी टांग खींचता है। लो अब कौन आ मरा, तुम फिर आ गए। मैं आ गया जिसे अपनी जिंदगी से बेर हो जाता है वो मुझसे अपना इलाज करवाता है। तुम्हारा इलाज करना है ना दरिद्री। नहीं बैठ, अभी तो मैं 60 साल की कन्या हूँ, अब मुझे आप जैसे मैदों की क्या जरूरत है। अरे नहीं दंतुरे, तुम्हें जी जान से चाहता हूँ।
तुम्हारा वैसा इलाज चोरी करूंगा जैसा हमेशा किया करता था। अच्छा तुम्ही अब हम होते ही यम के प्रिय है। कुछ मारो या फिर पहले जैसे दवाई की टंकी रख जाओगे। अरे नहीं रे दंगरे, अब तो हमारा धंधा चल पड़ा है। ये देखा, हाँ हम लोगों ने संगठन बना लिया है। अच्छा हाँ, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उसकी 20-25 पर्चे लिख देता हूँ, फिर मैं उसे किसी विशेषज्ञ या किसी चीर फाड़ी के हाँ भेज देता हूँ। फिर हम सब मिलकर खूब मजे करते हैं। यू कहो, पांचों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में और कमरे में। अरे हमारे नहीं रोगियों के, अब तुमसे क्या छिपाना, तुम तो मेरी अपनी हो। मैंने 2-4 आदमी गांव देहात में लगा रखे हैं, यहाँ वहाँ से आने वालों को दबा लेते हैं। और ये लंबे लंबे, हाँ ये लंबे लंबे नाम सुनाते हैं कि आधी जान तो नाम सुन के ही निकल जाती है और बाकी आधी आप निकाल लेते हो। अरे नहीं रे दंतुर, अगर जान निकाल देंगे तो माल कहाँ से कमाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है जीने भी मत दो और मरने भी मत दो। अब तो मिलाओ ना प्यारी से। मैं हूँ ना, ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बुलाओ उसे, उसके साथ बिता दू चार पल, मेरी जिंदगी को सुहाना बना देंगे। क्या नाचती है, क्या ढूंढती है। अरे मेरे, बस 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 बस, ए सुरे बेताले, थोड़ा तो लिहाज कर। जो अच्छा नाश्ता गाता हो चम्मक चलो उसी को ही मिलेगी। ए यहाँ मत झगड़ो। झगड़ेंगे, 1000 बार झगड़ेंगे, हमारे हक का सवाल है भाई। हम हमारी लड़ाई को कोर्ट में लेके जाएंगे। जाओ कोर्ट में ले जाओ। मैं आ गया सामाजिक शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। अरे हाँ, मैं देख लूंगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं सत्य का मार्ग अपना कर दूध का दूध पानी का पानी। सबके सामने तेरी दोगे। अरे तुम लोगों ने तो न्याय की मर्यादा को भंग करके रख दिया भाई साहब। अरे लेके आएगी तो रख दो। अरे तो अच्छा, हाँ चलो जाओ अपने सामने जाओ जाओ जाओ। हाँ तो मैं कह रहा था सबको न्याय मिलना ही चाहिए, तो लो करा लो न्याय, जिसको जितना चाहिए न्याय करा लो, न्याय करा लो, न्याय न्याय करा लो, न्याय न्याय करा लो, न्याय न्याय करा लो, न्याय। बताओ क्या प्रकरण है तुम्हारा। इस औरत ने मुझसे $1000 ली थी, अब ना तो मेरे को डॉलर लौटा रही है और ना ही मेरा कार्य कर रही है। श्रीमान, जितना हमने कहा था उतना हमने कर दिया। अच्छा अब क्या है कि डॉलर। अरे काम क्या था। अरे लेकिन थैली किसकी है जी। थैली तो काम क्या था श्रीमान। इस औरत ने मुझसे कहा था कि मुझे ठंडी और गर्म हवाओं के धोखों की सेर कराएगी, पर सेर तो छोड़ो, इस औरत ने मुझे धरती से एक इंच ऊंचा तक नहीं उठाया। तो तुमने ऐसा कहा था। हाँ हाँ कहा था और ऐसा करके भी दिखाया है। क्या कह रही है। श्रीमान से मुझे मुझे पहाड़ पे ले जाके नीचे धक्का दे दिया। अरे तो पहाड़ पे कैसी हवा थी। ठंडी। और नीचे तो अरे तो बस हो गए ना। अरे ठंडी हवा के झोंकों से गर्म हवा के झोंकों तक पहुंची ना पहुंची, हो गए ना। चल चलो उस पे लांचा लगा, डंड भरो। अरे श्रीमान, पर इन सब में मेरी क्या गलती। अब छोड़ देता हूँ अगला प्रकरण। श्रीमान ये है ना, ये काली गाड़ी वाला कहता है कि मैंने इसे काला धन लिया है। तुम क्या कहते हो। मैं इसे काला धन क्यों लेने लगा, मैंने तो सेवा करने का शुल्क लिया और सेवा शुल्क काला धन थोड़ी है। तुमने सेवा की। सेवा यदि चाहते हो तो थोड़ा बहुत शुल्क तो, अरे से सेवाचार समझना चाहिए, शिष्टाचार भी समझना चाहिए। अगला प्रकरण। अरे क्यों चिल्ला रहे हो। अरे पहले से तो पुराने पकड़ रखे हो, तुम अभी से चिल्ला रहे हो। अरे कल ही तो एक प्रकरण निपटाया मैंने, वादी के परदादा ने प्रतिवादी के परदादा की मुझे हड़पने का प्रकरण, मेरे परदादा को बस लगा था। अब कल ही तो निपटाया, तुम अभी से चिल्ला रहे हो। अरे थोड़ी तो शांति बनाए रखो। हम रुके रहेंगे, यदि यहाँ न्याय नहीं मिला तो कहीं और जाएंगे, कोई कमी थोड़ी। रुके रुके रुके। अरे आप तो बुरा मान गए, आप चले जाएंगे हमारा क्या होगा, हम लोग आपके सेवा के लिए बैठे। बताइए क्या प्रकरण है आपका। प्रकरण बहुत छोटा सा है, मैं गया था अपनी प्यारी चम्मच चल्लो से मिलने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हाँ
मेरी प्यारी से इनका क्या तात्पर्य है? ये तुम चुप रहो, चम्मच चल्लो कौन है? मैं बताता हूँ, चम्मच चल्लो वो अप्सरा है जिसके सौंदर्य से इंद्र सिंहासन छोड़ने को तत्पर है, जिसकी तीसी चितवन कालिदास की आवाज कभी मैं कर देता, जिसकी मोहिनी सूरत पर साक्षात काम देवी पिछले दिन, जिसके पायल की खनखनाहट से हमारे हृदय की गति बढ़ाती है, अरे इसके रूप और सौंदर्य के पीछे ये, अरे ये, अरे ये पूरा संसार भाग है। अजीब बात है, इतनी रूपवती कन्या हमारे शहर में और हमें पता ही नहीं, ये चम्मक चलो कहाँ है, उसे हमारे सामने उपस्थित करो। ये ज्ञानपीठ का अपमान है। हम अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु को ढूंढ रहे, ये बहुत गोपनीय है, इसलिए हमें स्वयं भी नहीं मालूम कि हम क्या ढूंढ रहे, लेकिन राजा के कड़े आदेश है, अगर हम उस वस्तु को ढूंढ कर नहीं लाए तो हमारी सेवा निलंबित कर दी जाएगी। अरे जब तुम्हें ही नहीं पता तो तुम किसे ढूंढोगे? ये हमें नहीं मालूम, हमारा काम है आदेश का पालन करना और वो हम कर रहे हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपना चम्मक चल्लो को ढूंढो, लेकिन याद रखो ये गोपनीय है, और से सबसे पहले हमारे सामने उपस्थित करो, फिर राधिक सामने उपस्थित कर देंगे। ठीक है, फिर आपका नंबर है 1947। क्या मतलब? अरे सबने भी ये कहा है कि काम हो जाने के बाद हम उनको बता दें, तो वो जाकर राजा को बता देंगे कि काम हो गया है, तो इसलिए आपका नंबर इसके बाद आएगा। सबसे ऊंचा होता है, सबने भी ये कहा राय सबसे ऊंचा होता है। तो ये खेली दिखती है, दिखती है, अच्छी तरह दिखती है, यही दिखती है। अब आपका नंबर हो गया 1857। अरे उसके साथ यह दूसरी थैली भी है। चलो चलो पे। अरे अब क्या हो गया? दिखती है। अरे 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 घोर का दुख आ गया है, लोगों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं, कम से कम हमारा तो भरोसा करो, हम न्याय के सिंहासन पर बैठे साक्षात स्वयंभू है, अब कौन हमें सुनेगा, कौन सुनाएगा, चलो जा। ठीक है महाशय जी, मेरा प्रकरण तो सुन लीजिए। लो, इतनी उम्र हो गई है फिर भी उलझे हुए हैं। आज तो मेरा प्रकरण सुन लीजिए महोदय, यदि आप मेरा प्रकरण सुन लेंगे तो मैं आपका मुफ्त उपचार कर दूंगा, और यदि मेरे पक्ष में निर्णय देते हैं तो मैं आपको एक विशेष उपहार भी दूंगा। जिसके उपचार से यमराज स्वयं धरती पर उतर आते हैं वो क्या उपहार देगा? सत्य कहता हूँ महोदय, यदि मैंने आपको उपचार किया तो ये धरती का कष्टमय जीवन समाप्त हो जाएगा, और आप बड़े आनंद से, अरे बड़े आनंद से स्वर्ग में विराजमान होंगे। इसीलिए मैं अपने हर रोगी को अंतिम संस्कार की सामग्री मुफ्त में देता हूँ, आप भी ले लीजिएगा। अरे आप ही ले लीजिए। अरे मैंने चम्मक चल्लो का इलाज किया है। मैं क्यों? तूने चम्मक चल्लो का इलाज किया है? सबसे वो चर्चा हो रही है, उसे बिना देखे मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, इस दुष्ट को चार चार की स्त्री में चढ़ा दो। अरे लेकिन मेरा दोस्त तो बताइए। दोस्त बताइए, मारो उसको। ये तो हमारी चम्मच चल्लो को मार डाला, ऊपर से कहता है दोस्त बताइए। मैं तो कहता हूँ इस दुष्ट को 6 साल की सूली। आज ये चम्मक चल्लो को लेके मिलाप कैसा? इस दुष्ट के कारण हमारी सबकी प्यारी चम्मक चल्लो इस दुनिया में नहीं थी। चम्मा।
अभी अभी तो मैं उसे बलि चक्की छोड़ आई हूँ। चमक चलो जीवित है। हाँ हाँ जीवित है। लेकिन वो तो कहना था उसने चमक चलो का इलाज किया है। इलाज तो इसी ने ही किया। अरे फिर क्या बचा? गुरु के सामने चमक चलो का नाम लेकर रोता है? सब सुप्रो न्यायपीठ के सामने न्यायाधिपति की प्रिया का नाम लेना न्यायपीठ का अपमान है। इस दुष्ट वेंद्रा को 4 साल की सुई बजा रहा हूँ। पर भाई आप इतना झंझट क्यों? अभी तो चमक चलो जीवित है। मैंने इनको बताया क्योंकि इनको जीना है। इनकी बताई हुई जड़ी बूटी भी लाई क्योंकि जड़ी बूटी वालों को भी जीना है। और फिर उन जड़ी बूटियों को मैंने नाली बना दिया क्योंकि अभी चमक चलो को जीना है। धन्यवाद। यही हो इसे ढूंढिए दुनिया। यही है वो जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। गहरे पानी बैठ। या कोई पहिया वहिया नहीं है? हमें तो सिर्फ नहीं ढूंढना था भाई। हमें क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपने कुछ किया हो तभी हम आपको ढूंढे। अरे ये तो हमारी सजगता है कि कुछ करने से पहले ही आपको ढूंढ लिया। अरे पुरुषो बचाओ। मैं तो केवल वीर्य हूँ। मैं तो धर्म का कार्य करता हूँ। इन असामाजिक कार्यों के बीच में मैं क्या बोलूँगा? मैं तो ढोल क्या हूँ। ये राज कर्मचारी है उनका राज रोक जाए इसे कौन झगड़ा बोल लेगा भाई। अरे अरे मैंने तुम लोगों के प्राण बचाए। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं नंदुरा देवी। यही है ले चलो। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। हम ढूंढ लाए हम ढूंढ लाए। पर वो महिला कहाँ है जो अभी चीखी थी उसे ढूंढ लाओ। यही है वो महिला जो चीखी थी महाराज। कौन अत्याचार कर रहा है हम अभी सहन नहीं करेंगे। वो हमने ढूंढ लिया है महाराज। अच्छा तुमने ढूंढ लिया महाराज। कोमो जो जिला ओवरसर के कहीं ये भी हाथ निकल ना जाए। अरे पर संतुष्टि तो जाने दो। अरे कैसी संतुष्टि किसकी संतुष्टि? जो है सबके सामने है। धन्य महाराज जब गुरुजी ने कह दिया है तो मानना ही पड़ेगा। अरे पर पहले देख तो लेने दो कि कौन क्या है। आप नहीं रुक सकते कोमो जो आशा के। ये मूर्खों तनिक रुको तो सही। आप नहीं रुक सकते। राज्य की जनता का प्रश्न है कौमुदी मोर्चा का प्रश्न है मोहल्ला का प्रश्न है। आज से कौमुदी मोर्चा तक यही हमारी रानी है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा। जिसकी पायल की खनखनाहट से हमारे हृदय की गति धक 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 कर रही है। कौन है जिसकी उपस्थिति से हमारा मन प्रेम के लोरे ले रहा है? कौन है अप्सरा? यही है वो इसे ढूंढती है दुनिया। अच्छा अब तो ठीक है यही कौमुदी महोत्सव में महारानी बनकर बैठेगी। रानी की जगह? हाँ हाँ रानी की जगह। क्यों साधु महाराज कैसी रही? मेरे सोमर हृदय को राजा अपने पैरों से कुचल रहा है और अब कथा इसकी। महाराज दरअसल आप अपनी जवानी के दिनों पे आखिर पी गए थे ना। हा? ये तभी का प्रसाद है। तो क्या ये हमारी पुत्री अर्थात राजकुमारी है? जी महाराज। आओ मेरी पुत्री। मत कहिए मुझे पुत्री। आप जैसे अत्याचारी महाराज की पुत्री होने से तो बेहतर है कि हम जीवित ना रहते। तो क्या हम अत्याचारी हैं? नहीं महाराज। मेरा तो ना बोलना ही उचित है। देखिए महाराज मैं तो इस राज्य में नया हूँ परंतु इस कन्या की बात से सहमत है क्योंकि सब लोग डर के मारे आपसे असत्य बोल रहे हैं। और ये कन्या सत्य। तुम कौन हो वत्स?
मैं मेरे गुरु जी का पाखंडी चेला हूँ। शुद्धा दृष्टि के लिए कभी कभार चूड़िया भी करता हूँ, चाहे वो $2 की हो या $100 की। यही है मेरा सत्य। क्या सत्य और क्या असत्य, पूरा जीवन इसके परीक्षण में ही निकल गया। ये सत्ता का मत भी बड़ा विचित्र मत है। मनुष्य कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, प्रत्येक पल उसे लगता है कि कहीं किसी कोने से कोई उस पर वार कर देगा और वो किसी भी रूप में आ सकता है, कभी परिजन बनकर तो कभी परदेसी बनकर, तो कभी आप ही के परिवार का चोर का रूप धारण करके आपके सत्ता की चाबी चुरा सकता है, तो कभी आप ही का विश्वास पात्र आपकी पीठ पीछे हो सकता है। अगर ये सब ना हो किसी के पास तो कितने आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अरे ये क्या, इसके तेज पर तो बड़ा ही तेज, ऐसा तेज मेरे मुख पर भी होना चाहिए, मैं भी इसकी तरह बेपरवाह होना चाहता हूं। पर ये तभी संभव है जब मैं इस राज का त्याग करूं, और त्याग भी तभी सार्थक है जब आपका उत्तराधिकारी आपकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो, उसके मन में कुछ नया करने का हो। संभवत यह बालक राजनीति के सभी षड्यंत्रों से दूर है, तभी इसके मुख पर इतना तेज। गुरुजी, क्या शिक्षा दी आपने अपने शिष्य को? अरे ये अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता है, चाहे चोरी डकैती, इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। आज से हम आपको अपने साथ रखेंगे। किरण ने मेरी आंखें खोल दी, हम इस राज का त्याग करके आपके साथ कैलाश को जाएंगे। अरे पर कौमुदी महोत्सव, हमने तो पहले ही कहा था कि कौमुदी महोत्सव में छमक चलो ही रानी बनकर बैठी थी, और ही राजा की बात तो ये जिसका वरण करना चाहे ये इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं अत्यंत न्यायप्रिय न्यायाधीश हूँ, लोग मुझसे न्याय की याचना करते हैं। मैं वेद यमप्रिय, मैं बड़े बड़े लोगों का उपचार करता हूँ। और हम हैं महान अंतर्यामी। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारे साथ कैलाश को जा रहे हो। तुम कुछ नहीं बताओगे अपने बारे में? मैं क्या बताऊं, मैं तो ठहरा चोर। तो ठीक है महाराज, मैं इसी चोर का वरण करूंगा। ये उचित रहेगा, अब तो हमारी राजकुमारी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। सुनो, आज से यही तुम्हारा राजा होगा महाराज। और हमारी पुत्री महारानी। और मैं राजमाता। जरा ठहरिए गुरुजी, इन्हें कौमुदी महोत्सव मनाने दे, हम चले हमारा अंत ठीक करने। क्या? और सुनिए, आप भी हमारे साथ ही चल रही है? जी महाराज। खत्म हो गया, असली वाला लगा। अब ना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अब ना काम बनता भाड़ में जाए जनता, घूंगे बैरों की नगरी कौन किसी की सुनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये देश था वीर जवानों का, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।